लोकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कालिन्दे फुल्लकमले माधवेन क्रीडारतः ब्रह्मानन्द नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायकः। आज श्रीमद् स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का जन्मदिन है और बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि उसी के माध्यम से एक प्रकार से यहाँ पर कुछ प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, ठाकुर की बातचीत प्रथा होगी। वाराणसी के साथ ब्रह्मानंद जी का बहुत घनिष्ठ संबंध है, याद रखें। उनके लिए वाराणसी अत्यंत प्रिय था। वो यहाँ पर लगभग 10 बार वाराणसी आए और एक बार की घटना, हम यहाँ बैठे हुए हैं तो पहले वही बताऊँ मैं। एक बार साधु भंडारा था, साधु भंडारा साधुओं का भंडारा होता है ना, तो अद्वैत आश्रम से साधुओं को बुलाया गया था, लेकिन कोई साधु जाना नहीं चाहता था। जो भी कारण हो वो नहीं जाना चाहता था। उस समय अद्वैत आश्रम की ऐसी स्थिति थी, फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति, कि अगर भंडारे में लोग साधु जाते थे तो पैसा बचता था। तो जो महंत थे उन्होंने राजा महाराज को कहा, महाराज यहीं पे थे, कि महाराज देखिए कोई जाना नहीं चाहता है, वो जाएगा तो हम लोगों का थोड़ा फाइनेंशियली इम्पोर्ट वो होता है। कहा अच्छा, बुलाओ सबको, बुलाओ। सब लोग आए। अब ये पता नहीं ये प्लेटफॉर्म बना था नहीं बना था, ये तो बाद में हुआ है। राजा महाराज जी यहाँ पे सामने खड़े हो गए और उन्होंने जो भी साधु आए सबको कहा, एक लाइन में लगाओ, एक लाइन में, एक के पीछे एक। वो तो मजाक करने वाले तो थे ही, वो तो एक आनंदमय पुरुष थे, इस प्रकार की मजाक इत्यादि किए ही करते थे। एक लाइन यहाँ लगा दी। और नहीं, आगे जो है वो छोटा वाला आगे, साइज हाइट हाइट का हो ना, हाइट वाला सुधा, हाइट वाला ऐसा लगा करो, पीछे ऐसा करो, ऐसा लाइन, और वो करे सीधा लाइन लगा, ऐस करेक्ट लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा, बिल्कुल करेक्ट। अटेंशन अटेंशन, स्टैंडर्टीज स्टैंडर्टीज, मतलब होते हैं ना, होता है। अटेंशन, अबाउट टर्न, अबाउट टर्न हो गया, क्विक मार्च, गो टू भंडारा। तो ये मैंने कहा कि यहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर कमरा है वहाँ पे रहा करते थे, यहाँ पे कई सिचुएशन वो हुई, वो भी हम देखेंगे। और वैसे तो ठाकुर, वो कहते हैं ठाकुर के मानस पुत्र कहा जाता है उनको, स्पिरिचुअल सन ऑफ श्री रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद तो उनके प्रथम शिष्य थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा की। ब्रह्मानंद जी 20 वर्ष तक रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट रहे। क्यों? उसके पीछे भाव एक है। श्री रामकृष्ण ने एक बार कह दिया था कि राखाल में राज्य चलाने की क्षमता है, यू कैन गवर्न, एक राज्य चला सकता है। तो उस दिन से उनका नाम फिर हुआ राजा, राजा महाराज, राजा महाराज के भाव है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी उनको प्रेसिडेंट, सबसे पहले बेलूर मठ की ब्रांच का प्रेसिडेंट किया, उसके बाद रामकृष्ण मिशन सारे उसका उनको प्रेसिडेंट बना दिया था। और उन्होंने ऐसा बढ़िया चलाया, मज़ेदार बात है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे साधना को। जो भी आया, साधना किसे चल रही तुम्हारी, और कोई बात ही नहीं करते। और जितना साधना का उन्होंने एम्फेसिस किया और रामकृष्ण मिशन की उनके अवस्था में सबसे अधिक प्रोग्रेस हुई, बहुत सारे सेंटर्स खुले। जबकि वो सेंटर खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ध्यान जप करो, साधना करो। बनारस में एक बार, आप जानते हैं ये तो सेवाश्रम शुरू हुआ था, और सेवाश्रम शुरू हुआ था उसके पीछे दो एक वो था
पहले यहाँ पे जो वो थे साधु लोग, साधु ब्रह्मचारी जो शुरू शुरू में जिन्होंने सेवाश्रम प्रारंभ किया था, जो लोग कोई यहाँ के कार्यकर्ता थे, उसके बाद में बेलूर मठ से कुछ लोग आ गए, कोई प्रेसिडेंट हुआ, कोई सेक्रेटरी हो गया, सब हो गया। इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, यानी ये होता है लोग जब चार आदमी दस आदमी साथ में काम करते हैं तो रख खींचतान होती, और ऐसे में सिचुएशन काफ़ी कठिन हो गई थी उस समय। स्वामी शारदानंद जी जनरल सेक्रेटरी थे, वो यहाँ पे आए इसको सुलझाने के लिए, क्या प्रॉब्लम है भाई, इंटरनल प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने सब दोनों पक्ष की बातें सुनी और उसके बाद में सोच के कहा, ब्रह्मानंद जी को कहा कि ऐसा लगता है कि इसमें दोनों पार्टी में कुछ गैंग लीडर्स हैं, कुछ यानी कुछ पावर चाहते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, ऐसे दोनों पार्टी में है, उनको निकालना पड़ेगा। ब्रह्मानंद जी ने कहा कुछ मत करो, मैं आ रहा हूँ। ब्रह्मानंद जी आए, यहाँ पे रहे। अब उन्होंने क्या किया, जितने वर्कर्स थे इधर के उधर के सेंटर सबको बुलाए, इधर आओ, तुम्हारा ध्यान जब कैसा चल रहा है, मेरा ठीक करो, ध्यान जप करो, क्या 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 करते हो, क्या साधना करते हो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सबको उन्होंने स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस देना चालू किया। उन्होंने प्रॉब्लम क्या है, झगड़ा क्या है, किसी से पूछा तक नहीं कि तुम्हारा व्यू क्या है, तुम्हारा मत क्या है, इसका मत क्या है, कुछ नहीं पूछा। परिणाम क्या हुआ, अपने आप किसी को निकालना नहीं पड़ा, सब बिल्कुल अपने आप ठीक। स्वामी प्रभुवानंद जी लिखते हुए कहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है और हम लोगों को आज के ज़माने में याद रखना चाहिए। द सक्सेस ऑफ ए रिलीजियस बॉडी डिपेंड्स नॉट ऑन इट्स एक्सटर्नल अचीवमेंट्स, इट्स एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स बिल्डिंग्स, द साइज ऑफ इट्स मेंबरशिप और इट्स फिलोंथ्रोफिक एक्टिविटीज, but upon the inner life of each of its member, and the measure of their progress towards devotion and knowledge of God. This is the truth that Maharaj as the head of the order impressed indelibly upon our minds. किसी भी आध्यात्मिक या जिसे कहते हैं धार्मिक संस्था की प्रगति या उसकी जो सक्सेस है, वह उसके बाहरी जो बाहरी उनकी जो प्राप्ति है उससे निर्भर नहीं करती। उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कितनी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके कितने सदस्य हैं, कितना पैसा आता है, कितना चैरिटी करते हैं, इसके ऊपर निर्भर नहीं करती, लेकिन अपॉन इनर लाइफ ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मेंबर, वहाँ उसके जितने सदस्य हैं उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा है इस पर निर्भर करता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। किताब में इटर्नल कंपेनियन की बात कर रहा हूँ, ये स्वामी ब्रह्मानंद जी की जीवनी है, उनके संस्मरण है और उनके उपदेश। और यतीश्वरानंद जी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे और हमारे दीक्षा उन्हीं से हुई। वो कहते थे इटर्नल कंपेनियन को रोज पढ़ो एक चैप्टर, जैसे हम कहते ना कथामृत पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ना चाहिए, स्वामी विवेकानंद को भी योग पढ़ा। स्वामी विवेकानंद को पढ़े बिना आप ब्रह्म श्री रामकृष्ण को नहीं समझ सकते। और यदि ब्रह्मानंद जी को भी एक चैप्टर इटर्नल कंपेनियन का हमको रोज पढ़ना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण है। तब समझ में आएगा कि रामकृष्ण संघ जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह आध्यात्मिक संस्था। तो ये मैंने एक एज ए इंट्रोडक्शन ये बात कही। ब्रह्मानंद जी को श्री राम कृष्ण ने एक बार, उनके जब आने के पहले उन्होंने एक दर्शन किया था, उस दर्शन में उन्होंने देखा था एक कमल है। अभी जो हमने एक श्लोक पढ़ा ना, कालिंदी फूल कमले न माधवे न क्रीड़ा रहता है। कालिंदी यानी यमुना पे एक फूल कमल है, पूर्ण विकसित कमल है, उसके ऊपर माधव के साथ श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहा है, छोटा सा बालक है। ये दर्शन स्वामी ब्रह्मानंद जी का उन्होंने श्री राम कृष्ण ने किया था। और जब श्री ब्रह्मानंद जी आए, उसके कुछ ही दिन बाद ही आए, तब उन्होंने देखा, उसको पहचान गया, देखते ही पहचान गए कि ये तो वो है।
और पूछा नाम क्या है, राखाल। राखाल भी तो बालक का है ना, गांव के खेलने वाले जो राखाल यानी तो है ना किसान बच्चा ही जो है ना राखाल, तो उसी को बोलते हैं ना, उसको पहचान लिया। और ब्रह्मानंद जी का जब शरीर गया तब क्या हुआ था, बीमार थे, बहुत बीमार थे, अंतिम समय जब आया तो वो भाव में बोलने लग गए, अरे अरे कृष्ण आ गए हैं, मैं नृत्य करूँगा, मेरे पैरों में नूपुर डाल दो, हाँ हाँ देखो कृष्ण मेरे साथ खेल रहे हैं, नृत्य कर। ये था स्वामी ब्रह्मानंद जी का स्पिरिचुअल नेचर, आध्यात्मिक उनका स्वरूप। श्री रामकृष्ण कहते कौन थे, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही है राम कृष्ण। तो इन्हीं विभिन्न राम के संग से वो कुछ किसी को लाए हैं, कृष्ण के उससे किसी को लाए हैं, तो कृष्ण के कृष्ण का जो ग्रुप है उसमें कृष्ण सखाओं में से वे राखाल को लेके आए। उसके बाद श्री राम कृष्ण के पास जब आए, उस समय विद्यार्थी थे, मेधावी थे, जिम्नेशियम में जाते थे, नरेंद्र के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। और वहाँ पर ब्राह्म समाज में उस समय ज़्यादा रुचि थी, केशव चंद्र सेन का नाम था और ये लोग ब्राह्म समाज में जाते थे। और वहाँ पर उन्होंने एक व्रत ले लिया था कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, निराकार की पूजा करेंगे, ऐसा कर लिया था। लेकिन ये राखाल महाराज बचपन से ही थोड़े से भाव इमोशनल टेम्परामेंट के थे, भक्ति प्रवण थे, साकार की तरफ झोंक था जो हो। उसके बाद में जब श्री राम कृष्ण के पास आए तब उसके पहले उनका विवाह हो गया था। और हुआ क्या था कि उनके तो ध्यान प्रवण थे, ध्यान में बैठा करते, जप करते थे श्री राम कृष्ण के आने के पहले ही। और तब उनके पिता ने देखा कि ये तो ध्यान जप की तरफ लग रहा है, संसार में लगाना पड़ेगा, कि शादी कर दी। और शादी कर दी किस लिए, कि संसार से दूर रखने के लिए। और परिणाम क्या हुआ कि इस शादी के कारण वे श्री राम कृष्ण के पास पहुंचे। मनमोहन मित्र नाम कर एक भक्त थे श्री राम कृष्ण के, उनकी बहन विश्वेश्वरी से उनका विवाह हो गया। और मनमोहन लेके राखाल को लेके श्री राम कृष्ण के पास, बस उसके बाद में ठाकुर के पास जाने लगे। एक दिन ठाकुर के साथ काली मंदिर में चले गए, मूर्ति पूजा करने में चले गए। नरेंद्र ने देख लिया, जानते नरेंद्र तो मित्र थे, डांटा कि तुमने तो ब्राह्मण समाज का जो डिक्लेरेशन है उसमें तुमने प्रतिज्ञा पत्र में लिखा है कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, ये क्या कर रहे हो। अब श्री रामकृष्ण ने समझाया कि देखो प्रत्येक की अपनी प्रवृत्ति भिन्न होती है, और उसके बाद में उसको स्वीकार कर लिया। जब पिताजी ने देखा कि ये तो श्री रामकृष्ण के पास जाने लगा, तो एक दिन उनको बंद कर दिया, ताला लगा दिया, जाने नहीं। अब क्या करें, इधर ठाकुर व्याकुल उनके प्रति और इधर राखाल महाराज व्याकुल। अंत में कभी ताला खुल गया और वो चले गए। उसके बाद में राखाल महाराज बहुत डरे पिताजी के पास साथ पास। एक दिन पिताजी उनके पास आए ठाकुर के पास, ठाकुर ने कहा डरो नहीं, जाओ आगे जाकर उसका स्वागत करो, अच्छी तरह प्रेम से बात करो। उसके बाद में पिताजी भी पिघल गए और उसके बाद में उनको ठाकुर के पास जाने की अनुमति इत्यादि देने का है। तो इसके बाद में ठाकुर के साथ में बहुत सारी छुंडी सुंदर सुंदर धर्म की घटनाएँ हैं। अब मैं पता नहीं कितना कहूँ, यहाँ ठाकुर यहाँ की भी एक बात कहनी है। ठाकुर को वो माँ जैसा समझते थे, गोद में जाके लेट जाते थे, अरे स्तन में मुंह लगा देते। कुछ लोग आते थे ठाकुर बोलते अरे उठ उठ। अब हम कल्पना नहीं कर सकते, ठाकुर को तो बहुत से लोग माँ मानते थे। स्वामी शिवानंद जी ठाकुर को माँ मानते, ठाकुर में तो नारी भाव भी था, पुरुष भाव भी था।
गिरिशचंद्र घोष तो एक देर बोल ही दिए थे कि आप स्त्री हैं कि पुरुष है बताइए। तो जो हो, उसके बाद में एक दिन भूख लगी तो मक्खन खा लिया। ठाकुर ने डांटा, क्या बिना पूछे परमिशन लिए चला गया खा लिया? इतना प्यार करते हुए डांटते भी थे, माँ नहीं डांटती क्या? माँ बच्चे को डांटती है तो चांटा भी मारती। ठाकुर ने मारा नहीं। एक बार श्री रामकृष्ण को उन्होंने कहा भूख लगी है। श्री रामकृष्ण गए गंगा में, ए गोरदासी मेरे राखाल को भूख लगी है, जल्दी कुछ लेके आओ। वो कुछ देर बाद में गौरी माँ गोरदासी कुछ मिठाई विठाई लेके आई। राखाल महाराज बड़े गुस्सा हुए, अरे मुझे भूख लगी है तो आप एडवर्टाइजमेंट क्यों बना, अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? तो ठाकुर बोलते हैं, और ठाकुर भी बच्चे से थे, क्या हुआ अगर भूख लगी है तो बोलने में क्या हुआ कि मुझे भूख लगी है? खैर जो हो, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं। श्री रामकृष्ण के पद सेवा कर रहे थे, अचानक उनको एक दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि माँ काली एक कन्या के रूप में आई हैं, श्री रामकृष्ण में प्रविष्ट हो गई हैं। एक बार तेल मालिश कर रहे थे, उन्होंने अनुभव कहा कि मुझे अनुभूति दिलाइए, दीजिए, कृपा कीजिए। श्री रामकृष्ण कुछ नहीं बोले तो गुस्से में आके तेल की बोतल को वहाँ पे फेंक के और चले गए, दरवाजे के बाहर नहीं जा सके, दक्षिणेश्वर के गेट के बाहर नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण ने बुलाया उनको, ये देखा जा नहीं सका ना, मैंने बांध रखा है तुझे, वो प्रेम से बंध गए हैं, वो अब नहीं जा सकते। और उसके बाद उनके समय में उनको कही इच्छा मात्र से श्री रामकृष्ण उनको दर्शन इत्यादि करवा देते थे। तो बहुत लंबा है, मैं उसको शॉर्ट करके हम बनारस आ जाएं, ठीक है ना? मैंने जैसा कहा बनारस में कई बार आए थे। 2008 में उन्होंने सेवाश्रम के फाउंडेशन स्टोन रखी थी, उसी समय से यहाँ पर उन्होंने दुर्गा पूजा की प्रारंभ किया था। 1908 में। और कहते थे कि काशी बिल्कुल संसार से अलग है। कहते थे कि गंगा जब पार करोगे तो जैसे जैसे यहाँ आओगे तो वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, पूर्ण रूप से भिन्न हो जाते हैं। हम लोग नहीं समझते हैं, अगर साधना हम करें तो हम भी ये वाइब्रेशन समझ लेंगे। वो कहते थे प्रातःकाल 3-4 बजे का समय काशी में ध्यान करने का उत्कृष्ट समय, अगर यहाँ पर आप ध्यान करें तो उससे बहुत फल मिलता है। काशी में जप करने से, जहाँ बाहर जप करने से 10 गुना फल मिलता है। एक बार आपको मालूम है उन्होंने विश्वनाथ मंदिर की सफाई की थी, झाड़ू से उन्होंने विश्वनाथ मंदिर की खुद सफाई की थी और कहा था कि मुझे अत्यंत आनंद मिला। यहाँ पर उन्होंने राम नाम संकीर्तन प्रारंभ करवाया, राम नाम संकीर्तन कई स्थानों पर उन्होंने प्रारंभ कराया, भुवनेश्वर में, यहाँ पर बंगाल अपने चेन्नई में, जहाँ भाई जब भी मौका मिलता था एकादशी देश के राम नाम संकीर्तन उन्होंने प्रारंभ करवाया। और यहाँ पर ऑफिस में होता है ना, अभी भी हो रहा है वहाँ पे, क्यों हो रहा है जानते हैं? उन्होंने वहाँ पर महावीर जी को दर्शन किया था, महावीर जी को उन्होंने दर्शन किया था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत। जहाँ कहीं भी हनुमान राम जी का रघुनाथ का कीर्तन राम नाम संकीर्तन हो जाता है, वहाँ पर महावीर जी हनुमान जी आकर वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन हम लोगों का ये दुर्भाग्य है,
आजकल राम नाम संकीर्तन होता है तो दोनों तरफ खाली। ऐसा मत कीजिए कि कोरोना के कारण नहीं आ रहे हैं, पहले भी नहीं कोरोना होता नहीं हुआ था तब भी भाव ही नहीं। अरे बाबा वहाँ आप लोग नहीं जाएंगे, महावीर जी वहाँ पे बैठे हुए आसन लगाते हैं महावीर जी के लिए, आते हैं महावीर जी वहाँ रहते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, ब्रह्मानंद जी ने देखा। बहुत महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मानंद जी सर्वत्र आध्यात्मिक ध्यान जप साधना और दर्शन तो उनको बहुत स्वाभाविक होते थे। एक बार बेलूर मठ में उन्होंने किसी सन्यासी से पूछा कि अच्छा वो फलाना फलाना, एक उन्होंने वर्णन किया, एक मगर के ऊपर एक देवी है, ऐसा है ऐसा है, चतुर्भुज ये क्या है, ये कौन है, क्या है, किसका है। देखा महाराज मुझे तो लगता है आपके वर्णन से कि ये गंगा होंगी। देखा अच्छा अच्छा ठीक, पूछा क्या बात हुई, तो मैंने देखा कि वो देवी वो गंगा से निकल कर आई और ठाकुर को प्रणाम करने के लिए। ऐसे उनको कितने दर्शन होते थे, बहुत दर्शन, बड़ी सुंदर सुंदर बहुत अद्भुत बातें। १९१२ में माँ वाराणसी आई थी, उनके साथ बड़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी। उस समय माँ यहाँ पर आई थी, सार ब्रह्मानंद जी थे उस समय, माँ ने सारा सेवाश्रम देखा था, जितना बिल्डिंग्स वगैरह था, ये थोड़ा भी था और ऊपर का फीमेल डिपार्टमेंट का थोड़ा, बाकी सब खाली था। माँ को पालकी में लेकर दिखाया गया, ब्रह्मानंद जी साथ में थे और माँ ने देख कर कहा वाह इतना अच्छा, ठाकुर यहाँ पर प्रत्यक्ष है, मैंने देखा है। और वहाँ से जाके वो माँ ने 10 रुपये का नोट भेजा था जो आज भी यहाँ पर है अंदर पड़ा हुआ, आजकल वो फोटो बाहर लगा रखा। उस समय मास्टर महाशय भी यहाँ पर थे, तो मास्टर महाशय को वो कहते थे कि ये आप सेवा सेवा ये क्या लगाया है, रामकृष्ण मिशन ने सेवा वगैरह ये ठीक नहीं है। सच पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद के रहते यहाँ पर पुअर मैंस रिलीफ एसोसिएशन शुरू हो गया था और यहाँ के जो प्रारंभिक जो वो थे फाउंडर्स थे वो किराए के मकान में लेके और सेवा इत्यादि किया करते थे। स्वामी जी आए थे और स्वामी जी ने बाद में राजा महाराज को कहा था कि राजा इस ग्रुप को देखना, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कीप ए वॉच ऑन इट, उन्हें एक तो देखो, हाँ बंगला में जाके बोले एक को देखो। ब्रह्मानंद जी ने उस बात को लिया था और इसलिए बार बार आते थे, इनसे मिलते थे। और उसके बाद में ये ज़मीन जो है वो बाद में मिली, ये शायद संभवतः महापुरुष महाराज के टाइम पे उनको मिली है, जो भी हो तो वो आते थे और माँ भी उस समय वहाँ पे आया करती थी, आती थी और माँ सामने रहती थी लक्ष्मी निवास में। वो सब उन्होंने देखकर 10 रुपये का नोट भेजा था और तब उन्होंने मास्टर महाशय को दिखाया, देखो भाई ये माँ ने वो डोनेशन दिया, अब क्या बोलना। मास्टर महाशय चुप हो गए, जब माँ ने सर्टिफिकेट दे दिया है तो मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। वो समझते थे कि साधुओं लोगों को सेवा वगैरह नहीं करना चाहिए इत्यादि। उसके बाद प्रतिदिन रखने निवास जाते थे, माँ को प्रणाम करते थे, ऊपर न जाते हुए तो नीचे से ही प्रणाम करते थे। और एक दिन गुलाब माँ ने ऊपर से पूछा, गुलाब माँ ने पूछा कि माँ जानना चाहती हैं कि जब पूजा होती है ब्रह्म की भगवान की पूजा तो पहले शक्ति की पूजा क्यों होती। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान की चाबी माँ के पास है, और ऐसा कह के हो करके वहाँ से वो भाव में विभोर होकर लौट आए थे। सारनाथ गए थे माँ के साथ में, एक बार सब दर्शन किया था, लौटते समय उन्होंने क्या कहा था जानते हैं, माँ जिस व्हीकल में गई थी तांगे में गई थी उसमें उनके उन्होंने अपना जो तांगा था उसमें माँ को बैठा दिया। माँ ने कहा नहीं क्यों क्यों ऐसा क्यों करें, नहीं नहीं जाओ, और खुद उसमें बैठ गए, माँ को पहले रवाना कर दिया। और पथ में क्या हुआ, जिस उसमें गए थे तांगे में उसका एक्सीडेंट हो गया। उनको पता चल गया था कि माँ राधु माँ को सबके साथ में है और अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया और उनको कष्ट हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी,
इसलिए उन्होंने ये जो वाहन जो है वो बदल लिए थे। इसके बाद यहाँ पर सेवा अद्वैत आश्रम में क्रिसमस के दिन उनको ईसा मसीह के दर्शन हुए थे। जब बाइबल का पाठ किया जा रहा था तो यहाँ पर उनको ईसा मसीह के दर्शन हुए थे। उसके बाद में हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर समस्या उठी थी जब वे आए थे और उन्होंने उस सबको उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए करने से सारी समस्या चली गई थी। एक सन्यासी जो कर्म में बहुत अधिक अटैक लग गए थे, बहुत इम्पोर्टेंट सन्यासी से संभवतः शुभानंद जी थे भी थे, उनको उन्होंने परमानेंटली रिटायर कर दिया, जाओ जाओ तपस्या करके जाओ, लिखा है कि तुम ये बहुत कर्म में बहुत अधिक जुड़ फंस गए हो। और ये जो इटर्नल कंपेनियन जैसे मैंने कहा ना, इसमें 9 या 10 जो चैप्टर्स हैं वो वाराणसी के हैं, यहाँ पे हुए थे, मोस्ट प्रोबेबली स्वामी यतीश्वरानंद जी ने उनको रिकॉर्ड किया। तो ये हुआ वाराणसी के साथ उनका संबंध। विंध्याचल भी गए थे और उसी के लिए उसी के परंपरा को रखकर हम लोग भी साल में एक बार विंध्याचल वहाँ पर जाते हैं, अष्टभुजा में भी जाते हैं, वहाँ पर जाके भजन भजन इत्यादि वो पुरानी परंपरा के अनुसार चल रहा है। तो ये मैंने वाराणसी के बारे में बताया और ठाकुर के साथ उनका संबंध था वो भी मैंने बताया। और 1 मई 1897 को वे कलकत्ता ब्रांच के और 1902 को वे सारे बेलूर रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने। और उनका आध्यात्मिक स्टेटस बहुत हाई था जैसा हमने कहा, ये बात उनके गुरु भाई जानते थे, प्रेमानंद जी जानते थे और सब जानते थे। और उसकी कई बड़ी सुंदर कहानियां हैं। एक कहानी पता नहीं ये रिकॉर्ड है कि नहीं है, लेकिन प्रेमानंद जी ने एक बार ब्रह्मानंद जी को कहा कि अरे राजा, ये देखो बहुत सारे नए नए सन्यासी ब्रह्मचारी ज्वाइन कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि देखो ये लोग इतनी इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं ध्यान जर पे, उन पर कुछ कृपा करो। कृपा करो यानी कुछ उनको आध्यात्मिक अनुभूति दिलाओ, उनको कुछ दो। ब्रह्मानंद जी ने कहा महाराज, राजा बाबूराम दा आप भी तो कर सकते हो, आप भी तो कर सकते हो, आप में भी दिखा रहे नया ना, मैं क्या करूँगा, तुम कर सकते हो, ऐसा ऐसा के दोनों में चलती रहे। ब्रह्मानंद जी ने आखिर मान गए कि अच्छा ठीक है, अब बुलाओ उन सबको। एक पर्टिकुलर टाइम निश्चित किया, बेलूर मठ के सब साधु ब्रह्मचारियों को वहाँ पर बुलाया, सब ब्रह्मानंद जी के चारों ओर बैठ गए और ब्रह्मानंद जी गहरे ध्यान में निमग्न। प्रेमानंद जी पास में खड़े हुए। ब्रह्मानंद जी फिर बोले, तुमको जो चाहिए वो मांग लो, जिसको जो चाहिए वो मांग लो, बंगाली में क्या होगा ये सब नहीं मालूम, वट एवर यू वॉन्ट यू आस्क, जो तुम चाहते हो वो तुमको मिलेगा। सब चुप स्तब्ध, कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी बार कहा, जिसको जो चाहिए वो मांग लो उसे मिलेगा। फिर चुप बैठे, कोई किसने कुछ भी नहीं माना। तीसरी बार उन्होंने कहा, जिसको जो चाहिए वो मांग लो। वो इतनी उच्च स्थिति में पहुंच गए थे, आध्यात्मिक अनुभूति, नाम यश पावर, जो चाहे वो मांग लो, यानी ये उन्होंने बताया नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तीसरी बार भी जब कुछ नहीं हुआ, किसी ने पूछा नहीं, तो क्या किया उन्होंने, जा ऐसा हाथ ऊपर किया, हाथ खोल दिया और नॉर्मल कॉन्शियसनेस में सामान्य स्थिति में आ गए और कहा, प्रेमानंद जी खड़े हुए थे, देख ले बाबू रामदा, मेरा सब उड़द दाल खरीददार, बंगाली समझते हैं आप लोग, उड़द दाल खरीददार, उड़द की दाल के खरीदने वाले हैं, उनका आधार क्या है, वो दाल खरीदेंगे और कुछ नहीं, उससे अधिक नहीं।
ये एकदम निम्न अधिकारी ही नहीं है, क्या मांगेंगे ये? कितना बड़ा संकेत। इसीलिए ब्रह्मानंद जी जहाँ कहीं जाते थे तो हंसी मजाक किया करते थे, बस बच्चों के साथ खेला करते थे। एक भक्त ध्यान कर रहे हैं, साधु ध्यान कर रहे हैं खूब गहरे, उन्होंने एक एक बर्तन के अंदर फल मिठाई रख के एक को कहा जाओ जाओ उसके पास रख दो, ध्यान करे तो उसके पास पास में जा के रख गया। उसके बाद जब ध्यान करके आया है तो बोले तुमको ध्यान साधना का तुम्हारा फल मिला कि नहीं मिला? ये मजाक, मजाक करते रहते थे लोग, पूछते थे मजाक क्या करूं इन लोगों के साथ। वो तो यूं तो वे आनंदमय पुरुष थे, लेकिन ये भी होते। एक व्यक्ति आया उनके साथ में, किसी के साथ में आया है, वो भक्त के साथ में आया, उनके पास गया। भक्त ये नया व्यक्ति है, उसको जानता नहीं था, लेकिन गया और आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर उसमें वो रहा, वो सहन नहीं कर पाया। और उसके बाद जब लौट के आया, बाहर वापस आया तो कह भाई तुम ऐसे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में कैसे रह पाते हो, कैसे जाते हो, ये छोड़ो। धीरे धीरे वो जाने लगा और उसके बाद में उसने भी संसार त्याग करके और रामकृष्ण मिशन करने लगा। उनके पास ऐसा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था जैसे हम कहते हैं, सारे सेंटर्स को घुमा करते थे एज ए प्रेसिडेंट, सभी जगह जाते थे, सब देखते थे और सबके बारे में उनको जानकारी रहती थी। याद रखें, सब व्यक्तियों के बारे में, सब मेंबर्स के बारे में, सब सेंटर्स के बारे में। उसके बाद दूसरा उनका पक्ष होता है, प्रेसिडेंट रहते हुए ही गुरु के रूप में, पहले दीक्षा नहीं देते थे, फिर आना फिर आना फिर आना, बड़े पर्टिकुलर थे उसके बारे में। एक बार माँ शारदा ने कंप्लेन किया, अरे राखाल अगर मंत्र नहीं देगा तो कैसे चलेगा काम, कोई तो होना चाहिए ना, कि मैं क्या हमेशा कितना कर सकूँगी। फिर भी नहीं। उसके बाद में उन्होंने एक बार रामानुज का एक नाटक देखा और रामानुज के जीवन में एक दृष्टांत आता है कि गुरु ने उनको एक मंत्र दिया और कहा कि तुम किसी को नहीं बताना, तुम जिसको बताओगे वो तो मुक्त हो जाएगा लेकिन तुम नरक में जाओगे। कुछ इसी प्रकार का घटना है। रामानुज गए, लोगों को सबको बुला लिया, बहुत सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जोर से चिल्लाकर वो मंत्र उनको सबको सुना दिया। गुरु अपेरेंटली यानी बाहर दिखाने बहुत गुस्सा हुए, क्या मेरे तुम्हारी बात नहीं मानी तुमने, ये क्या महाराज, मेरे को नरक मिल जाए तो कोई बात। गुरु बहुत प्रसन्न। इस घटना के बाद में वो मंत्र दीक्षा देने लगे और वो पहली साइट में देखते ही पहचान जाते हैं कौन मेरा शिष्य होगा कौन मेरा शिष्य नहीं होगा, वो सब पहचान जाते थे। ईश्वरानंद जी की घटना है, शुरू शुरू में युवक के रूप में अपने एक मित्र के साथ वहाँ पे गए, बातचीत में यतीश्वरानंद जी के बातचीत करते करते उन्होंने उस मित्र से कहा तुम्हारा हाथ देखो तो दिखाओ तो, ये सब मजाक करके करते हाथ देखे, हाँ ठीक है तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा आध्यात्मिक प्रगति होगी लेकिन थोड़ी सी बाधा। तो किसी ने कहा प्रेमानंद जी होंगे या किसने कहा, यतीश्वरानंद जी साथ में थे, उनका नाम था सुरेश, तो क्या इसका हाथ देखे, तो उसके हाथ देखने की जरूरत नहीं। तब बाहर आए तो ये सुरेश बड़े दुखी हुए कि मेरे मित्र का तो कोई चांस है, मुझे तो कोई चांस ही नहीं है। फिर बाद में पास में जो व्यक्ति था उसने बाद में आके कहा कि तुम्हारे बारे में तो उन्होंने कहा कि तुम साधु बनो, पहले उसको पहचान लिया था। उसके बाद जब साधना होती थी, दीक्षा होती थी, तो वह पावर यानी उनके डेफिनेट स्पिरिचुअल शक्ति का संचार करते थे। यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि जब मुझे दीक्षा हुई तो मुझे निश्चित रूप से अनुभव हुआ
कि ये शक्ति मुझ में उन्होंने संचार की है और वह शक्ति अभी भी मुझ में कार्य कर रही। और वो क्या? गुरु शक्ति। ये श्री राम कृष्ण से यह शक्ति ब्रह्मानंद जी में आई और ब्रह्मानंद जी से उनके शिष्यों में आई है, जो सन्यासी हुए वो लोग हुए। यतीश्वरानंद जी को सत्स्वरूपानंद जी ने मुझे कहा था कि ब्रह्मानंद जी जब दीक्षा देते थे तो जिसमें शक्ति होती थी उसको ठीक लगता था कि श्री राम कृष्ण की शक्ति मुझ में आई है। यतीश्वरानंद जी जब दीक्षा देते हैं तो वह ठीक ठीक जानते हैं कि मैं नहीं दीक्षा दे रहा हूँ, श्री राम कृष्ण दीक्षा दे रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासी साधु जो दीक्षा देते हैं वो जानते हैं कि गुरु महाराज हम तो एक कॉन्डूट हैं, हम एक मार्ग हैं, एक मीडियम है, श्री रामकृष्ण जो है वो दीक्षा देते हैं। गिरीश चंद्र घोष के बात संबंध में एक और बात हुई थी, वो गुरु के उनके भाव ही है। एक बार गिरीश चंद्र घोष में विश्वास चला गया, श्री राम कृष्ण में कोई विश्वास नहीं, पुराना जमाने का दिन आने लग गए, उनको लगा कि श्री राम कृष्ण हैं कि नहीं हैं इत्यादि। अचानक एक दिन ब्रह्मानंद जी गए या गिरीश बाबू आए याद नहीं है, और किसी ने कहा कि महाराज ब्रह्मानंद, गिरीश ने ही कहा कि मेरे को तो अभी विश्वास नहीं रखा श्री राम कृष्ण हैं अवतार है या नहीं है, भगवान है कि नहीं, मेरा तो सब विश्वास उठ गया। ब्रह्मानंद जी जोर से हंस दिया, खूब जोर से हंस दिए, अरे ये क्या बात है, तो कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ी सी बात है, यूँ निकल जाएगी। और परिणाम हुआ कि क्षण भर में वो भाव उनका पूरी तरह से दूर हो गया। और गिरीश चंद्र घोष यही कहते थे कि देखो ये पावर है ब्रह्मानंद जी का, मेरा अविश्वास क्षण मात्र में उन्होंने दूर किया। बहुत सारे पॉलिटिकल माइंडेड पीपल लड़के आते थे उस समय जो क्रांतिकारी थे, वो सब उनके पास आकर दूर हो जाता था, उनका सारा जीवन परिवर्तित हो जाता। कभी कभी शिष्यों को खूब डांट देते, एक वर्णन आता है इटरनल कंपेनियन में, वही प्रभुआनंद जी कह रहे हैं कि वो एक फॉन्ट बनने के लिए जो होता है ना, एक पैड छापते हैं ना अपने लेटर पैड, तो उसमें डिज़ाइन होगी रामकृष्ण मिशन एक्सेट्रा और एम्बलम होगा, ये सब हुआ तो उनको दिखाया। उसके बाद कहा ठीक है ये कर लो, जब आ गया प्रिंट होके तो उन्होंने कहा देखा ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मार्क नहीं होना चाहिए। तो कि महाराज आपने ही तो बताया, आपने प्रूफ दिखाया, देखिए महाराज आपने तो, डांटते गए। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्यों डांट रहे, जबकि गलती थी ही नहीं, फिर भी डांट रहे, क्यों ये गलती किया तुमने, ऐसा किया। बाद में पता चला कि उनके पाप कर्म जो हैं, खराब कर्मों को काटने के लिए वो डांट रहे। ये वो सब प्रेमानंद जी ने या दूसरे किसी ने उनको बाद में बताया इस चीज़ को। और कहते भी थे कि हमारा प्रेम इतना गहरा है कि हम तुमको पता ही नहीं चलेगा, इतना गहरा प्रेम बिल्कुल, लेकिन कुछ नहीं, शांत, कोई एक्सप्रेशन नहीं उसका। इस प्रकार की कई घटना हैं। प्रभुआनंद जी एक बार नर्मदा के किनारे तपस्या के लिए जाना चाहते थे। ब्रह्मानंद जी बहुत उदास हो गए, बहुत देर तक कहा कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। उसके बाद में उनके मुंह से निकल गया, तुम क्यों तपस्या के लिए जा, हम लोग तो तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं, हमारी तपस्या केवल तुम्हारे लिए ही है, तुम क्यों तपस्या करो। यानी शिष्यों के प्रति इतना प्रेम, अपने पुत्र से भी अधिक वो समझते थे। एक बार एक घटना का वर्णन प्रभुआनंद जी ने है इसने दिया है। एक बहुत अच्छा साधक था, एक युवक ब्रह्मचारी था, वो था बहुत कठोर तपस्या, ध्यान जप बहुत निष्ठा से करता रखता। उसके बाद संन्यास का दिन आया, बाकी संन्यास हुआ, वो जब आया संन्यास के लिए तो उन्होंने जोर से डांट दिया, तुम क्यों आए हो यहाँ, किसने कहा है कि तुमको मैं संन्यास दूंगा, चले जाओ। अरे बाप,
लोग समझे कि ये तो जरा अधिक हो गया, टू मच क्रूएल, बहुत निर्दय हो गए, जाओ जाओ नहीं जाओ चले जाओ। लेकिन उसके बाद में 3 दिन बाद फिर उसको संन्यास दे दिया। पीछे भाव क्या था कि ये अपनी निष्ठा साधना उसकी बहुत अच्छी हो रही है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छा है, ये उसका सात्विक अहंकार बढ़ता चला जा रहा है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने नहीं दिया। 3 दिन तक अत्यंत कष्ट पाया उसने, सोच सकते हो आप। उनके मित्रों के सब संन्यास हो गया, उसका नहीं संन्यास हुआ। 3 दिन बाद दे दिया कि ये उसका पाप, उसका जो अहंकार था उसको नाश करने के लिए। उनमें शक्ति थी, प्रोटेक्टिंग पावर था। भुवनेश्वर की घटना है, संभवतः दोनों भुवनेश्वर की है या कहाँ की है। एक बार उस समय तो, अब तो सर बड़ा नगर हो गया, उस समय जंगल था, छोटा सा नगर था। भुवनेश्वर काशी की तरह भुवनेश्वर को प्यार करते थे, कई बार वहाँ पर गए हैं। एक दिन घूम रहे थे, सड़क पर जा रहे थे, सामने से एक सांड आया, पागल सांड समझे, तेजी से आ रहा है। तो जो शिष्य था वो भागने का मौका ही नहीं, जो शिष्य थे वो सामने जाके ब्रह्मानंद जी को रोकने का प्रयत्न, उनकी रक्षा करने जाना चाहते थे। ब्रह्मानंद जी ने अपने हाथ से उनको पीछे धकेल लिया। उस समय भी बलिष्ठ थे, याद रखिए, तो कहा ना कि वो पहलवान थे और मोटा सादा शरीर था, पीछे धक्का दे दिया और सामने खड़े हो गए। जो सांड था वो कुछ देर तक सामने देखा, देखता रहा, उसके बाद सिर हिला के वहाँ से चला गया। इस प्रकार की एक दूसरी घटना है जहाँ पर एक चीता था, वो इस तरह जंगल में आ गया था और उनसे उन्होंने अपने शिष्यों की रक्षा की थी। कई स्थानों पर उन्होंने, विशेषकर चेन्नई में उन्होंने रिचुअलिस्टिक वर्शिप की थी, प्रारंभ की थी। मायावती कोई पूजा वूजा नहीं है, लेकिन चेन्नई रिचुअलिस्टिक वर्शिप का स्थान है। रामकृष्ण मिशन के 3 बड़े इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, वाराणसी, मायावती और चेन्नई। चेन्नई है अपने अनुष्ठानिक पूजा, बाह्य पूजा इत्यादि। वाराणसी शिव ज्ञान से जीव सेवा, और मायावती अद्वैत, वहाँ पूजा वूजा कुछ नहीं, अद्वैत वेदांत के लिए। 3 इस प्रकार थे। ब्रह्मानंद जी को वो श्लोक बहुत अच्छा प्रिय लगता था, तृणादपि सुनिचेन तरोरिपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्णतैनीयो सदा हरि। तृण के समान नीच बनो, तरोरपि सहिष्णुता, वृक्ष की तरह सहिष्णु बनो, दूसरों को मान दो और सम अमानी बन जाओ। ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक में स्थित है, ये उनको बार बार वे कहते थे। और वे सारे अपने शिष्यों के भूत भविष्यत सब को वे जान जाए थे। ये बात कही, अब समय कितना हुआ हो रहा है, अब थोड़ी सी बात करके, उनके बहुत सारे जहाँ कहीं भी जाते थे तो उनको विजन हुआ करते, मिस्टिक विजन बहुत सारे हुआ करते थे, उसका वर्णन भी है। जैसा मैंने कहा, क्राइस्ट का दर्शन किया, राम नाम संकीर्तन में हुआ, दुराई में भी उनका दर्शन हुआ, कन्याकुमारी में, तिरुपति, जगन्नाथ पुरी, अवश्य वाराणसी और वृंदावन, ये 2 स्थान उनके अत्यंत प्रिय स्थान थे, और वहाँ पर राम नाम संकीर्तन इत्यादि को वह बहुत महत्व देते थे। उपदेश तो उनके बहुत सारे हैं, और
और इटर्नल कंपेनियन में हम उसको पढ़ सकते हैं। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अंतिम समय जब आया तब बलराम मंदिर में जब थे वे, रामलाल दादा ने रामलाल दा ने एक भजन गाया, उसमें है जिसमें भाव ऐसा है कि वृंदावन में गोपियां गाती हैं कृष्ण वृंदावन आओ इत्यादि। ये 1922 में उन्होंने गाया और तब उन्हें अपने स्वरूप का ध्यान हो गया। उसके बाद मद्रास में मद्रास में जब वे थे तो कुछ वैष्णव भक्त महिलाओं ने नृत्य गाया था उनके चारों ओर। नृत्य गाते गाते उनको वे दूध पिलाती थी उनको दूध पिलाती थी, उनको कृष्ण के रूप में देखकर उनको पिलाया करती थी। ये तब से उनको अपने स्वरूप का अधिक भान होने लगा। उसके बाद में उनको कॉलरा हो गया और अंत में बेलूर मठ में उनकी महासमाधि हो गई। एक अंतिम उनका बहुत अच्छा उपदेश है, उसको हम रख पढ़ के समाप्त करेंगे। बिफोर यू बिगिन द वर्क रिमेंबर द लॉर्ड एंड ऑफर योर सैल्यूटेशंस टू हिम। डू द सेम एट इंटरवल्स इन द कोर्स ऑफ द वर्क एंड ऑल्सो आफ्टर यू फिनिश इट। किसी भी कर्म करने के पहले भगवान को स्मरण करो और उनको प्रणाम करो। उसके बाद में बीच बीच में भी जो कर्म करते रहे उसको स्मरण करो, भगवान को स्मरण करो, और उसके बाद में जब समाप्त हो जावे तब भी उनको स्मरण कर लो। तो हम जब रायपुर में थे इसको हमने लिख लिया था, हमारे सामने टेबल के ऊपर लग दिया था याद करने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लिख कर रखनी पड़ती है हमारे कमरे में, हमेशा ऐसी चीज़ जो आपको सदा उस चीज़ का की याद दिलाता है। तब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, राजा महाराज का के उपदेशों का प्रत्येक दिन पठन करें, यही मैं अपने आप से प्रार्थना करता हूँ, अपने आप के लिए संकल्प करता हूँ कि जिससे मैं नित्य निरंतर उनका स्मरण करता रहूँ, गाइडेंस मुझसे मिलती रहे। निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेश मित्यम तम राम कृष्णम शिरसा नमामः।